हर हर महादेव। आपको मैं ना दिखाती हूँ पहले। अरे इसको कैसे करें। मैना वहाँ बैठी है, ये देख रहे हैं आप, ये मैना बैठी है, ये है मैना। और इसकी कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। मैना मैना दूसरी भी बैठी है। मेरी दादी सुनाती थी तो मैंने सोचा आपको भी सुनाई जाए, अच्छी कहानी है, समझने वाली कहानी है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हर हर महादेव। एक बार एक मैना थी और एक बकरा था। तो कहानी इस तरह से है कि मैं बकरी, क्योंकि मैं करती, मैं उसका मैं चालू रहता है, और मैना तो मैं ना करती है। तो मैना ने मैं ना कहा, मैना ने मैं ना कहा, मोल भयो 10-20। बकरी ने मैं कहा, तुरत कटायो 30। फिर जब उसका 30 कट गया तो उसके बाद उसकी आंतों से, बकरी की आंतों से एक यंत्र बनता है, एक डिवाइस बनती है, जिसके ऊपर रुई को रख के लकड़ी से मारा जाता है ताकि रुई फूल जाए, धुना जाता है, जिसे धुनना कहते हैं। तो उसके ऊपर जब धुना गया तो उसमें से आवाज़ निकलती है, जब उसको लकड़ी मतलब रुई को रखकर और उस पर धुना जाता है, लकड़ी मारी जाती है, तो उसमें से आवाज़ निकलती है, ट्विंग 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 ट्विंग। तो अगर जीते जी ही तू ही कर लेती और मैं ना करती तो गर्दन ना कटती। अब मैं किया इसलिए गर्दन कट गई। मैं ना मैं कुछ नहीं, तू ही है, जो है तू है। तो ऐसा ही कुछ कभी कभी हमारा हाल होता है कि जब अहंकार सर चढ़ के बोल रहा होता है तब हमें लगता है हम सब कुछ हैं, हम ही भगवान बन गए, और हम गलत करके भी सही ही हैं। जब अहंकार सर पे चढ़ा होता है तो सब गलत भी सही नज़र आता है, सब हम जो कर रहे हैं सब सही होता है। वो फिर बकरी जैसी हालत होती है, भगवान कटाई कर डालते हैं, किसी तरीके से सबक देते हैं, फिर अक्ल आती है कि अरे, फिर हमारे मुंह से तुई, तब अक्ल आती है। तो जब पढ़ता है तब अक्ल आती है, किसी किसी को तो पढ़ने के बाद भी अक्ल नहीं आती किसी को तो पढ़ते हैं तो अक्ल आती है, किसी को पढ़ने के बाद भी अक्ल नहीं आती। हर हर महादेव। कहां से? हाँ लगा ही मुझे। अरे वाह, आप लोग कर रहे हो, जय हो जय हो जय हो, करिए करिए, ठीक है महादेव। तो जब मैं करते हैं तो मैं कट जाती है और ये काट देती है, अच्छे कर्म भी काट देती है। जब मैं बहुत होती है तो अच्छा जो कर्म कर रहे होते हैं वो भी कट जाता है। किसी चीज की आवश्यकता हो तो बोलिएगा, इधर दर गेट पे बोल दीजिएगा, भोजन वोजन चाहिए हो तो बोल दीजिएगा, इधर राम राम। तो हो सके तो मैं ना करके इस चीज़ को समझना चाहिए, जब कोई समझाने की चेष्टा कर रहा हो तो समझने की चेष्टा भी करनी चाहिए। मैं ना बोल रही है ये, तो आज मुझे बैठे बैठे मैना को देखती हूँ तो हमेशा वो कहानी याद आती है जब, और ये मेरे घर के बिल्कुल सामने वाले पेड़ पे दोनों बैठती हैं, आकर के सुबह शाम चाय करती हैं मेरे साथ में। तो अब ये मेरे को हमेशा वो कहानी मेरी दादी की याद दिलाती है, मैं ना हमेशा याद रखो, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ।
अहंकार ना चढ़ जाए, नहीं तो अहंकार चढ़ते ही भगवान है ना गर्दन काट देंगे। थोड़ा दो दिन से धूप है, अच्छी धूप है, तेज कार्तिक, हमारा कार्तिक में जैसी ठंड होती है नॉर्थ में वैसा मौसम यहाँ पर अप्रैल में है, कार्तिक जैसा। आप लोग ये भी देखिए थोड़ा सा, अभी हमारे सामने सड़क बनने की तैयारी चल रही है, तो सब राजस्थान से कुछ महिलाएं आई हैं अभी, उनसे बात भी बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी क्योंकि बंद है, मोस्टली सब बंद है, तो इसलिए कभी कभी कुछ राहगीर आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है भाई। कभी कभी आवाज आती है शांत घाटी के अंदर, कभी कभी आवाजें गूंजती हैं, मोस्टली यहाँ पर पंछियों की आवाजें होती हैं या नदी की आवाज होती है। पहाड़ों से भी ऊंची ऊंचाई पर जो है चील उड़ती है यहाँ, ओ मां मां उनको देख के बड़ा आनंद होता है भाई। आप लोगों को भी दिखाती रहती हूँ ताकि आप लोग भी आनंद ले सकें, जहाँ पे हैं वहीं से ले सकें। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या करें। हाँ सुंदर भैया, आपका मैंने वीडियो देखा था, हमारे सुंदर महावर जी जो हैं कश्मीर के, कश्मीर में वो उनकी ड्यूटी है और बहुत ही अच्छे राष्ट्रभक्त हैं और सैनिक हैं इन, और ये एक दिन सुरंग से जा रहे थे अभी थोड़े दिन पहले की, दो तीन दिन पहले की बात है, ये बाल बाल बचे हैं, सुरंग में इनकी चेकिंग की ड्यूटी होती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है करके, तो एक सुरंग से गुजर रहे थे, अंधेरी सी सुरंग थी, रेलवे ट्रैक बना हुआ था और उसमें स्पेस बिल्कुल नहीं था, अचानक से पीछे से जो है ट्रेन आ गई और सुंदर महावर जी जो हैं उस दिन बाल बाल बच गए। भगवान की, महादेव की बड़ी कृपा है उनके ऊपर, जो राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं और भगवान से जुड़े हुए होते हैं, भगवान उनकी कहीं ना कहीं रक्षा अवश्य करते हैं। जाना तो देखो एक दिन सभी का लिखा हुआ है, ये तो अमर घुट्टी तो कोई भी पीकर नहीं आए हम लोग, तो ये हमें मान लेना चाहिए कि एक दिन हम सभी को चोला बदलना है, कुछ भी बन सकते हैं बाद में, कर्म के हिसाब से हमें चोला मिलेगा, तो इस चीज़ का दुख नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। मृत्यु मतलब ऐसे मृत्यु नहीं है लेकिन शरीर की मृत्यु है, तो एक दिन जाना सभी को है, तो लेकिन भगवान जब तक हम रहते हैं तो भगवान हमारी रक्षा, भक्तों की रक्षा की भी बहुत करते हैं, तो उन्होंने उस दिन जो है सुंदर महावर जी की उस सुरंग में रक्षा की, ट्रेन से एक्सीडेंट नहीं हुआ, बच गए बाल बाल, बड़ी कृपा है महादेव की उन पर, और ऐसी ही बनी रहे उन पर और उनके परिवार पर, ऐसी भगवती के चरणों में प्रार्थना है। और मैं सुरेश सिंह सैनी वीर जी को भी बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है पंजाब पठानकोट से जो है 100 किलो बाजरा अरेंज किया है, 50 किलो पहुंच गया है, 50 किलो और ऑन द वे है, तो जब भी कुछ ऐसी आवश्यकता होती है सुरेश सिंह सैनी भैया हमेशा, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑलवेज, मैं आपके लिए कहाँ से भिजवा दूँ आप मुझे बताइए, मैं वो कहीं से भी अरेंज करके और वो चीज़ भेज देते हैं, ऐसा कुछ कभी ऐसा होता है तो मैं सुरेश सिंह सैनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, ऑल द वे फ्रॉम पंजाब पठानकोट ही हैज सेंट नट बाजरा, अब सुबह सुबह मेरे पास पहुंचा है, आपको खूब आशीर्वाद, भगवती आप पर खूब कृपा करें, आपके परिवार पर कृपा दृष्टि रखें। और ये मैना मैनी ये यहीं बैठी रहती हैं, बड़ा अच्छा लगता है इनको देख के, ये रिमाइंडर देती रहती है मुझे, मैं ना का रिमाइंडर देती रहती हैं, कहानी याद दिलाती रहती हैं, तो मुझे लगा चलो मैं भी आपके साथ भी शेयर की जाए कहानी।
अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। लवी आ गई है, आज का सब डिटेल्स के साथ में अब मैं लवी के साथ डिस्कशन करूँगी आज का क्या स्केड्यूल है। लवी, लवी को सब मेरा, कई लोग बोलते हैं ये आपकी बेटी है, तो मैं बोलती हूँ हाँ ये मेरी बेटी है। चलिए, काश कोई ऐसी सुविधा होती कि मैं आप लोगों को यहाँ से हवा पानी सब फील करवा पाती, तो जितना भी देख सकते हो इसी में आनंद लो। हर हर महादेव। जय भवानी, जय भारत।